सुवर्ण रेखा नदी अवबाहिकार बेधड़क बाली चोराचलाण विरुद्ध अंटा भिड़ी ग्रामवासी बाली माफिया धमक सत्वे से बाली बोझे डंगागुड़ी जबत करने प्रशासनिक कार्यानुष्ठान दृढ़ पदक्षेप एभली एक चर्चित घटना घटी देखा मिली बालेश्वर जिला भोगराई तहसिल अधीन मनुनगर गाँ निकट नदी घाटे दैनिक स्थानीय अंचल शह शह डंगे बाली उत्तोलन कर चोरा चलाण होता बेले आज से रोक लगाई ग्रामवासी एकता सुवर्णरेखा नदी में लीन होगाक बसी मनुनगर गाँवर दुख एथर बन्या नुहे बर नदी गर्भर चली बाली माफिया आतंक राज मनुनगर गाँव को तीन पार्श्वर नदी घेरी रही बेले विगत वर्ष मानक क्रमगत बन्या फल गाँवर अनेक लोक भिटामाटी हर एवं साजिंट प्रवासी निजर चाष जमी हर अधिकांश गरीब श्रेणी लोक भाग्य को आदरी गाँव में बसवास करे बाली माफिया बेधड़क बाली चोराचलाण से आतंकित अवस्था कालातिपात कर नदी गर्भर बाली उत्तोलन होगा फल गाँवर सुरक्षा कवच सदृश पथरबंद आज भुशुड़ जावाक बस बाली उत्तोलन बंद पर प्रशासन पाखे ग्रामवासी दीर्घ दिन दाबी कर दाबी पूरण न होवर आज समूह ग्रामवासी तटवर्ती अंचल सुरक्षापी अंटा भिड़ी देखा मिली मुझे श्रीमती सरस्वती जेना मो घर मनुनगर आमर यही सुवर्णरेखा पाखे गाँ बाली आम गाँ को रक्षा करने सरकार कोटी कोटी टंकार पथरबंध करते बाली माफिया माने नदी गर्भर बाली उठाई आम गाँ को सुवर्णरेखा भितर लीन करदेवा बसी वर्तमान आमर जनजीवन संकट भितर अच्छी गाँवर हजार हजार संख्यार अधिवासी अच्छा आमर धन जीवन सबू वर्तमान क्षय क्षति होगाक जाऊँ आम केमी बचीबू जदि गाँ नदी खाई जाए बाली माफिया माने हजार हजार संख्यार बाली उठे आम गाँ को ध्वस्त विध्वस्त करदी बड़ आकार बनिया आसब आम गाँ सुवर्णरेखा भितर लीन होमें केमी सुरक्षित रहीबु सरकार बहादुर को आमर विनम्र अनुरोध आम को सुरक्षा दिंतु बाली संपूर्ण भाव बंद कर रामचंद्र जेना मनुनगर ग्रामवासी दीर्घ दिन बाली यठ उत्तोलन होंगा एवं ट्रैक्टर जुगे सरकार बहादुर विभिन्न योजना आम गाँव में सुरक्षापी जहाँ कि नदीबंध योजना बात्या आश्रय स्थली प्रधानमंत्री सड़क योजना भली बहु प्रकल्प तेणु बहु चाषी जीवन जीविका निर्भर करुच्ची स्थान उपरे तेणु मनुनगर सुरक्षा दिगरे अंतरा होउची बाली माफिया मानकर उपद्रव तेणु आम चाहूँ सरकार बहादुर ए मनुनगर सुरक्षा दिंतु बाली बंद हौ एवं शह शह जीवन सुरक्षा मध्य हौ मु मनोज बारिक मनुनगर ग्रामवासी आम मनुनगर सरकार बहुत कोटी कोटी टंका खर्च कर पथरबंध पैचिंग करु आमर बाली माफिया मैंने आसुंती पथरघटा खोलावाड़िया नखीपाटणा मनुनगर इत्यादि गाँव रू आसी आम जो प्रत्येक वर्ष नदी में बनार बाली भरी जाऊँच पुणी पाखर काटी से बिक्री करें बारंबार से धरी ये करें रात धरी आम को छाँटी आम लाठी छुरी दे धमक दे आम उठेबु कौन करुच कर आज आम आर आई सार डकईल तहसिलदार को फोन कर तहसिल सार आर आई सार पठे सी भी आज ये अच्छा नौका जबत करते तथापि आम कि एक्शन नौ ना तेणु आम आमर जब किसी दाबी पूरण न करेंगे आम जा आर आई अफिस् घेर करूँ बालेश्वर जा कलेक्टर अफिस् भी घेर करूँ ना आम जीवन आत्महत्या कर उत्तेजित ग्रामवासी केतक बालीबोझे डंगा को अटक रखी प्रशासन खबर देवापर स्थानीय तहसिलदार कमलाकांत पंडा निर्देश क्रमे नाचिंदा राजस्व निरीक्षक मनोज कुमार मरांडी घटनास्थल पहुंची डंगा को जबत करने आईन अनुजाई पदक्षेप ग्रहण कर राजस्व निरीक्षक नाचिंदा मनोज कुमार मरांडी घटनाटा हूँ यठू से मनुनगर नदी गर्भर बाली चोरी होता एने कि ग्रामवासी तहसिलदार को अभियोग कले तहसिलदार महोदय मत निर्देश देलापर मुंगे सांगे आसिक पहुँचली एटु दुईटा बाली नौका भर्ती बाली दुईटा जबत कराई जोटा कि गाँव लोक जिम्मेनामे रने की लिखित भाव में तहसिलदार महोदय को अवगत करमर जहाँ ओडिशा लघु खनिज आईन अनुजाई जहाँ कि कार्यानुष्ठान निया जापर नहीं तहसिलदार महोदय करेंगे।
ଏଥିରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ମନୋଜ ବାରିକ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଳ, ବସନ୍ତ ବାରିକ, ଗୌରୀବାଲା ଜେନା, ସରସ୍ୱତୀ ଜେନା, ଉର୍ମିଳା ପାଳ, ସବିତା ପାତ୍ର, ଅଶୋକ ବେହେରା, ଗଦାଧର ଦାସ, ଶମ୍ଭୁନାଥ ଗିରି, ଭଗବାନ ଦାସ, ବଳରାମ ପାଳ, ବୈକୁଣ୍ଠ ପାଳ, ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୀତିମତ ଚାଲିଛି ବେଧଡ଼କ ଚୋରାବାଲି ଚାଲାଣ, ଆଉ ଏହି ଚୋରାବାଲି ଚାଲାଣକୁ ନେଇ ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ମନୁନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯାହାକି ଏଠି ଯେଉଁ ବାଲି ଉଠୁଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ କିନ୍ତୁ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି। କେତେବେଳେ ଭୋଗରାଇ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବାଲି ଚୋରାବାଲି ଯାହାକି ବାଲିପାଳ ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଠୁଛି ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇକି ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଧରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ, ଏଇ ଭୋଗରାଇ ଏବଂ ବାଲିପାଳ ପ୍ରଶାସନର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଏଇ ଚୋରାବାଲି ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ମନୁନଗର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ଖବର ଦେଇ ସେମାନେ ବାଲିମାଫିଆଙ୍କର ଡଙ୍ଗା ଦୁଇଟି ଜବତ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଛୁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ନା ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥାରେ କିଛି ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭମଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱରିତ ସପନ ପଣ୍ଡା, ଜିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ବନ୍ଦ ହଉ।